हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मंडे न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डिज्नी प्लस की अपकमिंग टीवी सीरीज वांडा विजन से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। आज हम बात करेंगे उसकी रिलीजिंग डेट के बारे में और बात करेंगे उसके अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले मैंने कल अपने लाइव स्ट्रीमिंग में ये बताया था कि वांडा विजन इस साल रिलीज नहीं हो रही है, ये रिलीज होगी नेक्स्ट ईयर 2021 में मार्च के महीने में, और मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से ये 20 तारीख को या 21 तारीख को लॉन्च होती। बट ये कल अपडेट आया था जो कि मैंने आपको कल लाइव स्ट्रीमिंग करके बताया, और आज के दिन अपडेट ये आया कि वांडा विजन अगले साल रिलीज नहीं हो रही है, वांडा विजन रिलीज होगी इसी साल। जी हाँ, और ये कंफर्म हो चुका है और वांडा विजन ऑफिशियली डिले नहीं हो रही है जो कि पहले अपडेट आया था। एक्चुअल में ये अपडेट आया था यूएसए में, जो कि इंडिया पहुंचते इसे आज का दिन लग गया, और आज के दिन जैसे मुझे अपडेट पता चला मैंने तुरंत वीडियो बना दिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल की वीडियोस को देखते रहा करो अप टू डेट रहने के लिए, जिससे कि आपको सारी अपडेट कंटिन्यूस पता चलते रहे। अब कल कोई लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो देखेगा, फिर उसके बाद उसे दो दिन बाद पता चलेगी किसी और यूट्यूबर से, तो फिर वो कहेगा भाई आपने तो कहा था कि इस साल रिलीज नहीं हो रही है, तो इसलिए तो कहता हूँ कि भाई कंटिन्यूस मेरी वीडियोज़ को देखा करो। उसी के साथ साथ ही एक और अपडेट है बहुत ही कमाल का कि फैल्कन द विंटर सोल्जर और वांडा विजन में एक ईस्टर एग का क्रॉसओवर होगा। यानी कि जब आप फैल्कन द विंटर सोल्जर के बाद वांडा विजन देखोगे तो आपको वांडा विजन में कुछ ऐसे ईस्टर एग मिलेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो कि क्रॉसओवर उसे करवाएंगे, यानी कि ये एक दूसरे से कनेक्ट होंगी 100%। तो ये बहुत ही ज्यादा कमाल का अपडेट था। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो, पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक में शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे हो, या तो उस पर विजन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।